हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर अहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पे दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजल टोटा रॉय चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लड़का हफ्टे वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वह एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त पे इला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोता चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में ला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और अला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लगने लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजुल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं यह आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिल वाले दुलिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फिलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूंगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके कर रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चाई है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकरणी मुकेश ऋषि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरों के अंदर हो क्योंकि जो लेट का है वो यहाँ पर काजली है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मदर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सैन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्स के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त पे अला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोता राम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वह उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास ए ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुद्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजुल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गुल्बर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी तमस मूवी है दिल वाल दुलिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लेट का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रे सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि क्या के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफ्ट है वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूटूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त इल्ला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वो उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सैन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाई के अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आस घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाई की मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही है जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिल वालिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है भी आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकरणी मुकेश ऋषि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि क्या के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफी वो यहाँ पर काजली है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अवतार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानी जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्स के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त अला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पर आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुंह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इन्जॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजुल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ये हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं यह आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी मूवी है दिल दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया तो है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टे के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चाई है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश री सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लेट का हफ्ट वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई चुकापी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है कहानी है वो दो सौ सिंगल मद्र यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने होता है तो उस वक्त इल्ला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उससे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वह उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुद्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रोय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इलाके के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं यह आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनिंग प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे, मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से यही रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चाई है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों तो ही देखने को मिल जाता है लड़का हफ्ट के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रॉय चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमियो के अंदर हो क्योंकि जो लेडका है वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूटूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त पे अला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास ए के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सैन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लगने लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इन्जॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूटूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके कर रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकरणी मुकेश रि ऐसे आपको और भी बहुत सारे गिरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरों के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफ्ट वो यहाँ पर काजली है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मदर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सैन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त अला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं यह आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गुल पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया तो है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश री सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफ्ट वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त इल्ला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लिला सिंगर बनने के सपने देखती है और उससे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके भी समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वह उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इलाके आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजुल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही है जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस ऑफ्टर पर तो आपके पास अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे, मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टे के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लेट का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रॉय चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रेसिम ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि क्या के अंदर हो क्योंकि जो लेट का है वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूटूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त पे कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वो व्यस् कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सैन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आस घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाई की मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही है जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिल दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश ऋषि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमे के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफ्ट वो यहाँ पर काजली है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अवतार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दो सिंगल मदर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्स के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने लग वाला होता है तो उस वक्त पे कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर वाया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लासे के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लगने लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजुल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उर्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चाई है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि क्या के अंदर हो क्योंकि जो लेट का हफ्ट वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिज़नी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई चुकापी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दो सौ सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सैन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने लगवाला होता है तो उस वक्त इल्ला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लिला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके भी समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वो तो उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीिन जो काजल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इलाके आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी सहेली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही है जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं यह आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे, मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चाई है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का हफ्ट के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लेडका है वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूटूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिज़नी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त अला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास ए के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सैन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लगने लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वहीं जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस सॉफ्टर पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लेडका के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रॉय चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश ऋषि ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि क्या के अंदर हो क्योंकि जो लेडका हफ्ट है वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पर छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त इला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में ला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वो उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास ए के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं या आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस ऑफ्टर पर तो आपके पास जो अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी तमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूंगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चाई है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश ऋषि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरों के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफ्ट वो यहाँ पर काजली है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मदर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सैन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त पे अला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उस साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वह उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास ए ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने इस फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुद्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं यह आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार वोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल्बर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश री सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लेट कहा वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त इल्ला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लिला सिंगर बनने के सपने देखती है और उससे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके भी समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वह उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इलाके आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजुल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही है जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का को कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे, मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया तो है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लेट काफ्ट के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रे सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि क्या के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफ्ट वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूटूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त इल्ला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके ला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वो उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सैन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आस घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है भी आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रंटाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकरणी मुकेश रेसिंग ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि क्या के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफ्ट वो यहाँ पर काजली है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अवतार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दो सिंगल मदरिल्ला यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानी जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्स के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त पे कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है भाई की मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजुल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ये हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी तमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चाई है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों तो ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लेट का हफ्ट वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई चुकापी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दो सौ सिंगल मद्रा यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर रुद्री सैन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने लगवा वाला होता है तो उस वक्त इल्ला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लिला सिंगर बनने के सपने देखती है और उस साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके भी समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वह उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीिन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रोय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लगने लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इलाके आसपास घूमती है वहीं जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही है जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं यह आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजन प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे, मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके कर रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चाई है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का हफ्ट के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रॉय चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लेडका है वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूटूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिज़नी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालाँकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त अला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सैन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लगने लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वहीं जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस सॉफ्टर पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पर आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पर आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूटूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस स्टार पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटारोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकरणी मुकेश रि ऐसे आपको और भी बहुत सारे गिरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरों के अंदर हो क्योंकि जो लेट काफ्ट वो यहाँ पर काजली है और यही यहाँ पर जो है वो मैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मदर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवानित जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सैन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त अला कामयाबी की ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास ए ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं यह आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गुल पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया तो है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एहला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पे दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रॉय चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रे सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लेट हफ्ते वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त इल्ला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लिला सिंगर बनने के सपने देखती है और उससे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके भी समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए वह उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इलाके आसपास घूमती है वहीं जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी ये मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही है जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं या आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर तो आपके पास अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे, मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी तमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूटूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखते नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पे यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पे दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रन टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लेट का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकर्णी मुकेश रे ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमरे के अंदर हो क्योंकि जो लेट का है वो यहाँ पर काजल ही है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजौल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मतर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर उत्तरी सहन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवेश के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त पे कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके लला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और ला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए खुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक के रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सैन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लगने लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इलाके आसपास घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहां पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यूज सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं ये आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी नमस् मूवी है दिल वालिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूँगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके कर रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अच्छी बात यह है कि आप इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं वो भी फ्री में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मूवी के बारे में जानते हैं कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी क्या इस मूवी की कहानी है सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा तो हो सके तो आप इस मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को देखता नहीं है बिना देखे ही आप कमेंट कर देते हैं फिर कहते हैं कि मूवी कहाँ है वो कहाँ है पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर मिलेंगी आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं मूवी का नाम है हेलीकॉप्टर एला दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये मूवी पहले सिनेमाघर में आई थी फिर बाद में ये मूवी दोस्तों आई थी उल्टी के ऊपर ही अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में तो ये मूवी अवेलेबल है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये जो मूवी की कहानी है वो एक ऐसी घटना पर बनाई गई है जो कि पहले घटित हुई है खैर इसमें कितनी सच्चा है वे आपको मैं आप आगे बताने वाला हूँ तो जो मूवी की रेटिंग है वो अच्छी है आई एम डी बी जहाँ थी वहाँ पर दस में से पाँच पॉइंट चार की रेटिंग इसे मिली है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला हुआ है मूवी का रंट टाइम लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का है और इस मूवी के अंदर कॉमेडी और ड्रामा दोनों ही देखने को मिल जाता है लड़का के अंदर आपको रिद्धि सेन काजोल टोटा रोई चौधरी अमिताभ बच्चन नेहा दुपिया सता फिगर अतुल कुलकरणी मुकेश ऋषि सिंह ऐसे आपको और भी बहुत सारे किरदार देखने को मिल सकते हैं हालांकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो सकता है कि कैमे के अंदर हो क्योंकि जो लेट है वो यहाँ पर काजली है और यही यहाँ पर जो है वो बैन है फिलहाल तो मूवी दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिजनी प्लस अफ्तार पर मिलेंगी जहाँ पर आप लोग इसे हिंदी के अंदर देख सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी को यूटूब के ऊपर रिलीज़ कराया जाता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा हालांकि जो काजल है इन्होंने काफ़ी समय बाद एक मूवी बनाई जो काफ़ी बढ़िया भी रही है और लोगों ने इसे पसंद भी खूब किया हुआ है जो कहानी है वो दोस्तों सिंगल मदर यानी कि जो काजल है और अपना जो यहाँ पर बेटा उनका होता है विवान जिनका रोल यहाँ पर रुद्री सैन कर रहे हैं तो वो एक बेहतर परिवर्श के लिए और अपने कामयाबी सिंगर बनने के सपने देखता है और उस वक्त पे छोड़ देती है और जब उसका सपना साकार होने वाला होता है तो उस वक्त पे अला कामयाबी की बेहद ही पास है लेकिन वह चाहती है कि करियर शुरू होने से पहले ही शादी करके घर बसा लिया जाए और अपने बॉयफ्रेंड अरुण यानी कि तोताराम चौधरी के साथ मैरिज करके इला सिंगर बनने के सपने देखती है और उसे साकार करने लग जाती है इसी बीच में इला माँ बन जाती है हालांकि कुछ ऐसे बनते हैं कि अरुण एक दिन अचानक गायब हो जाता है और इला अब सिंगर बनने का सपना त्याग कर अपने बेटे विवान के बेहतरीन परवरिश के लिए और उसका साथ वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को विवान और उसके बीच समझ लेती है विवान को पसंद नहीं है कि हर वक्त उसके माँ का उसके ऊपर साया बनकर रहे कहानी में टर्निंग पॉइंट उस वक्त पे आता है जब विवान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की मुँह में इला अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने का फ़ैसला करने के लिए उसकी कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ भी इन दोनों की जो क्लास है वो क्लास एक ही रूम में होती है और आमने सामने हो जाती है इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है कहानी भी इस मूवी की अच्छी है यकीन जो काजोल है इन्होंने फिल्म के अंदर हर सीन में आखिरी सीन तक बेहतरीन एक्टिंग की है और उसमें जान डाल दी है काजोल के बेटे विवान के रोल में रुत्री सेन ने भी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग की है बाकी अन्य कलाकार यहाँ पर टोटा रॉय चौधरी ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी लेकिन पंद्रह बीस मिनट के बाद ये फिल्म बोजिंग लग लगती है और इंटरवल से पहले ही फिल्म में इला के आस घूमती है वही जो इंटरवल है उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहानी को जबरन खींचा गया ऐसा आपको कुछ जगह पर लग सकता है बाकी मूवी बहुत ही बढ़िया है इसे आप लोग दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ क्योंकि इस मूवी को यू सेंसर्ड किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप काजल के पक्के फैन हैं तो आपको इस फिल्म को सिर्फ़ अपनी चहली एक्ट्रेस के शानदार एक्टिंग के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनकी एक्टिंग ही हैं जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करती है बाकी मूवी के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर नहीं आया आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं या आपको अच्छी लग सकती है मुझे पता है कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मूवी का कोई क्लिप देखा होगा या फिर कोई रील्स देखी होगी फिर आप लोग इस पूरी मूवी को देखने का फैसला कर रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मूवी फ्री में अवेलेबल है और वो भी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर तो आपके पास एक अच्छा मौका है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एक अच्छी कहानी भी इस मूवी के अंदर शामिल है मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था और ये मूवी मुझे एक अच्छी मूवी लगी तो मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस कमाल की मूवी को एक बार देख सकते हैं हालांकि ये मूवी टीवी के ऊपर भी आती रहती है पहले ये मूवी स्टार गोल्ड पे आती थी अब हो सकता है कि कोई और चैनल पे आती हो स्टार गुल पर यह मूवी आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी काजल एक बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस है और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और इनकी एक बहुत ही बड़ी फमस मूवी है दिलवाला दुल्हनिया ले जाएगी जो बहुत ही बढ़िया रही है और लोगों ने उस मूवी को खूब पसंद भी किया है तो अगर आप काजल के फ़ैन हैं और इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं ये मूवी आपको निराश नहीं करेंगी फ़िलहाल तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है मगर दोस्तों इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर रिलीज कराया जाएगा तो मैं आप सभी को जानकारी अवश्य दे दूंगा आप सभी लोग हमें फॉलो करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको नई और पुराने बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी